हाय गाइस, सबसे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड कर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मांग वाला चैप्टर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और यही क्वेश्चन पूछता है, यानी ये सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही होता है। देखिए कितना क्वेश्चन है आपके, चार क्वेश्चन चार तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जाम में और बार बार ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है। तो ये आप लोग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोच लो, और आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में भी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अंत तक देखते रहिए, इसके बेसिक पर बात करते हैं। तो मांग का नियम, देखिए मांग का नियम लागू होने के कारण, मांग का नियम लागू होता है उसके क्या कारण है, क्या रीजन है, वे पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा रहता है, ऐसा सीधा खिंचा हुआ रहता है और कुछ इस तरह से बनता है, वो ऋणात्मक क्यों होता है, वह पूछ रहा है। फिर अगला पूछ रहा है आपको, मांग वक्र के दाहिनी ओर ढालू होने के कारण क्या है। मांग वगैरह जो दाहिनी ओर ढालू होता है उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, वो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है कि कीमत घटने पर मांग बढ़ता है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घटता है, क्यों। कीमत घटने पर मांग जो है बढ़ता है और कीमत बढ़ने पर मांग घटता है, ये क्यों होता है, तो इसका रीजन पूछ रहा है आपका। तो इसमें सबसे पहला आपका कौन है, सबसे पहला रीजन हरासमान सीमान उपयोगिता, हरासमान सीमान उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, हरासमान सीमान उपयोगिता। तो हरासमान सीमान उपयोगिता नियम आप आगे भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे चलिए इस बात करते हैं, जहाँ पर आप पूरा एकदम डिप्ले से जानिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं हरासमान सीमान उपयोगिता नियम क्या है। हरासमान सीमान उपयोगिता ऐसे नियम है जो किसी वस्तु की लगातार इकाई का उपभोग करने से उसे मिलने वाली उपयोगिता घटते चली जाती है, उसे हरासमान सीमान उपयोगिता नियम कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को लगातार उपभोग करने से उसे मिलने वाली सीमान उपयोगिता हम लोग को घटते चली जाती है। जैसे मान लीजिए जामुन, जैसे मान लीजिए मैं जब एक जामुन खाया, जब एक जामुन खाया तो हमें कितना यूटिलिटी मिली, तब हमें यूटिलिटी मिली मान लीजिए 25 यूटिलिटी मिली। जैसे हमें दूसरा और एक जामुन खाया तब हमको यूटिलिटी मिली 20। जैसे हम एक और एक तीसरा जामुन खाएं तो हमको यूटिलिटी मिली, कितना यूटिलिटी मिला, हमको मिला 15। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम लगातार एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग में वृद्धि कर रहे हैं, अतिरिक्त इकाई के उपभोग में वृद्धि कर रहे हैं, उससे मिलने वाले सीमान उपयोगिता यानी उपयोगिता जो है घटते चली जाती है। क्या होते जा रही है, घटते चली जाती है। आपको हम पूछेंगे कि आप एक दिन में कितना रोटी, मतलब कि आप रोटी कितने खाते हैं, तो आप कहते हैं कि 3 रोटी खाते हैं। तो 3 रोटी ही क्यों खाते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि मेरा पेट भर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि आपको जो उससे यूटिलिटी मिलता है यानी उपयोगिता मिलता है वह मतलब पूरा मिल चुका है। आप जो आप खाएगा तो उससे आपको 0 मिलने जाएगा, यानी धीरे धीरे घटते जाएगा। तो हरासमान सीमान उपयोगिता नियम आपका यही कहता है कि लगातार किसी वस्तु का अधिक इकाई उपभोग करने से उससे मिलने वाले सीमान उपयोगिता घटती चली जाती है, जिसके कारण मांग का नियम लागू होता है। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आपका है स्थानापन प्रभाव। दूसरा आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका स्थानापन प्रभाव, स्थानापन प्रभाव। तो स्थानापन प्रभाव जो है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्थानापन वस्तुएं क्या है, स्थानापन वस्तुएं क्या है। तो स्थानापन वस्तुएं वह वस्तु है जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे तो स्थानापन वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय तथा कॉफ़ी, उसे तो स्थानापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय, चलिए इसको आपको कॉफ़ी में समझाते हैं, चाय हो गया, इधर लिख लीजिए कॉफ़ी,
यहाँ पर जो है आपका कैसा संबंध होता है, यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसा संबंध? प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात चाय की कीमत, चाय की कीमत कीमत जो है अगर बढ़ेगी, चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी के मांग में जो है, मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि उपभोक्ता को कैसी वस्तु चाहिए? उपभोक्ता को, उपभोक्ता को महंगी वस्तु की तुलना में सस्ती वस्तु चाहिए। इसलिए जब उपभोक्ता, जब चाय महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता किसको प्रेफर करता है, यानी किसको खाना पसंद करता है? चाय को, कॉफ़ी को पीना पसंद करता है। किसको पीना पसंद करता है? कॉफ़ी पीना पसंद करता है। इसको तो हम लोग कहते हैं स्थानापन्न प्रभाव। ठीक, इसके अपोजिट अगर चाय की कीमत, अगर चाय की कीमत अगर घटेगी तो ये कॉफ़ी की मांग में जो है कमी होगी। क्योंकि उपभोक्ता, जो उपभोक्ता पहले कॉफ़ी का मांग कर रहा था, वो चाय की कीमत भी घट गई तो किधर चला आ गया? चाय की तरफ चला आ गया। तो यानी उपभोक्ता को कैसी वस्तु चाहिए? उपभोक्ता को चाहिए महंगी वस्तु की तुलना में स्थान पर उसको सस्ती वस्तु चाहिए। कैसी वस्तु चाहिए? सस्ती वस्तु। तो ये तो आपको स्थानापन्न प्रभाव मान सकते हैं। अब इसी की जगह आप पूरक वस्तु नहीं ले सकते हैं, पूरक वस्तु में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो आपका स्थानापन्न प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव के कारण भी मांग का वक्र किधर, मांग का नियम लागू होता है, या मांग वक्र दाहिने कोर, मांग वक्र ढलान जो होता है वो ऋणात्मक होता है और दाहिने कोर ढालू होता है। तो ये भी आपका दूसरा कारण हो कि आप तीसरा कारण चले देखते हैं। तो तीसरा कारण आपका है आय प्रभाव। क्या है? आय प्रभाव, आय प्रभाव, आय का प्रभाव जी भी जो है मांग को का, मांग के नियम को लागू होने से आय का प्रभाव का भी ये किया जाता है। तो आय का प्रभाव आपका क्या कहता है? इनकम इफेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आय के प्रभाव में आप ये नहीं लिख सकते हैं कि आय बढ़ने, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि करता है और उपभोक्ता का आय घटने पर मांग में कमी करता है। ये आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना होगा कि उपभोक्ता की जो इनकम है उस पर उसकी कीमत में, कीमत में कमी या वृद्धि होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हम किस में बात करते हैं? कीमत पर। तो देखिए उपभोक्ता की आय मान लीजिए, उपभोक्ता, एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो है उसकी आय है 30 रुपये। कितनी आय है? 30 रुपया, 30 रुपये आय है। अगर वह उपभोक्ता, उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो है अगर वह इस 30 रुपया से, इस 30 रुपया से अगर 6 केले खरीदता, कितने? 6 केले। अगर 6 केले खरीदता है तो उसको कितना होगा? 5 केला होगा, तभी 30 रुपया के बराबर होगा। तो 5-6 रुपये करके 5 केला खरीदेगा। अगर केला का दाम अगर घट कर अगर 5 रुपया हो गया, कितना? 5 रुपया हो गया, तो कितना केला खरीदेगा? अभी यहाँ पर 6 केला खरीदेगा, कितना केला खरीदेगा? 6 केला। तो उपभोक्ता की आय, देखिए कीमत घटने पर, कीमत जो है वो घटने पर उपभोक्ता की जो आय उतनी ही है उपभोक्ता की। यहाँ पर समझिए बात को, आय देखिए यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 रुपया है। तो उपभोक्ता के जब कीमत, उपभोक्ता का इतना ही रहेगा, जब कीमत 5-6 रुपया था तो उसने 5 वस्तु खरीद रहा था। कितने केले खरीद रहा था? यहाँ पर केले होगा, यहाँ पर केले होगा। कितने केले खरीद रहा था? 5 केले। अब जब कीमत घटकर 5 रुपया हो गया तो वह कितने केले खरीदने लगा? 6 केले। यानी उपभोक्ता की आय उतनी ही है, उपभोक्ता की आय उतनी है। ये तो कीमत घटने के कारण उसने एक और एक वस्तु की मांग में वृद्धि कर दिया, कीमत घटने पर उसकी मांग में वृद्धि कर दिया। तो ये होता है आपका इनकम इफेक्ट। तो ठीक, इसका अपोजिट भी आप समझ सकते हैं। पहले मान लीजिए कीमत था पहले 5 रुपया, तो आप कितने केले खरीदते थे? 6 केले खरीद रहे थे 30 रुपया में। अब कीमत उसका जो है बढ़कर 6 रुपया हो गया, तो कितना केले खरीदेगा? वह खरीदेगा 5 केला। ठीक, इसका अपोजिट। तो इसी तरह अगर उसकी कीमत बढ़ता है तो उसकी मांग में कमी करता है, उसकी आय जो है उतनी है, कीमत के घटने बढ़ने पर उसकी मांग में जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। उसको कहते हैं इनकम इफेक्ट, जिसके कारण मांग वक्र का नियम लागू होता है और मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। तो ये तो हो गया आपका तीसरा कारण। अब चलते हैं इसका चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण जो है आपका उपभोक्ता की संख्या।
क्या है? उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की संख्या। यहाँ पर आप ये भी नहीं लिख सकते हैं कि उपभोक्ता की संख्या बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है और उपभोक्ता की संख्या घटने पर मांग में कमी होती है। यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम लोग सब जगह कीमत से बात कर रहे हैं, तो कीमत से देखा जाता है। अगर किसी वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है, कीमत में कमी होती है, तो उपभोक्ता जो देखिएगा कि पहले जो उपभोक्ता नहीं खरीद रहा था वो भी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने लग गया, यानी उसकी मांग में वृद्धि हो गया, यानी वहाँ बाज़ार पर उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हो गया। जो उपभोक्ता जब उसकी कीमत अधिक था तो वो वस्तु नहीं खरीद रहा था, जब उसकी कीमत घट गई तो उपभोक्ता जो उपभोक्ता नहीं खरीद पाता था वो भी खरीदेंगे, और जो उपभोक्ता पहले से कम मात्रा में खरीद रहा था वो भी उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीदने लगेंगे। ठीक उसी तरह अगर वस्तु की कीमत जो है अगर बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो उस वस्तु की मांग जो है उसमें कमी कर देगा, मांग में कमी कर देगा, क्योंकि उपभोक्ता पहले खरीद रहे थे कीमत बढ़ने के कारण वो उस वस्तु को अब खरीदना नहीं चाह गया, क्योंकि बाज़ार में पहले से जो उपभोक्ता खरीद रहे थे वो उपभोक्ता भी नहीं खरीदने, यानी उपभोक्ता की संख्या में कमी हुआ, इसमें उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हुआ था। तो ये आपका चौथा कारण रीजन था, जो मांग वक्र, जिसके कारण मांग का नियम लागू होता है, और मांग वक्र का ढलान जो है ऋणात्मक होता है और मांग वक्र दाहिनी ओर ढालू होता है। यह कीमत घटने पर मांग में वृद्धि होता है, कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होता है, इसका रीजन था। तो सबसे पहला आपका किया था हरासमेंट सीमान उपयोगिता नियम, और दूसरा आपका है स्थानापन प्रभाव, जिसमें स्थानापन वस्तु चार कीमत के उदाहरण मानकर आपको समझा दिया। अभी कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग में कमी होती है, अगर चाय की कीमत घटने पर कॉफ़ी की मांग में कमी होती है। यहाँ पर कैसा संबंध होता है आपका? स्थानापन वस्तु पर प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध? प्रत्यक्ष संबंध, सेम डायरेक्शन में चलता है, या तो दोनों वृद्धि हो रही है, दोनों में कमी हो रहा है। अब चौथा आपका, तीसरा आपका है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। क्या आय प्रभाव? इनकम इफेक्ट कहते हैं इसको, जहाँ पर उपभोक्ता की आय उतनी ही है, वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि करता है, जिसके कारण मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। और चौथा है आपका उपभोक्ता की संख्या। ये भी आप समझ गए हैं कि वस्तु की अगर कीमत में कमी होगी तो बाहर जो उपभोक्ता नहीं खरीद पाते तो वो भी उपभोक्ता अगले वस्तु को खरीद रहे थे, वस्तु को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए धन्यवाद, इतना ही रखते हैं वीडियो को। आपको आई होप आपको समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहें। और वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट करने से क्या होता ना गाइस, आपका एक्सपीरियंस मुझे मालूम चलता है कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो वह भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए धन्यवाद।